ये बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो सियासत चल रही थी अब उस पर विराम लग गया है। हालांकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का कहना है ये हमारी जीत है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोगों का कहना है कि ये हमारे मंत्रिमंडल से पास हुआ है। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव उनसे कि आखिरकार ये लोग खुशी किस बात का मना रहे हैं। आप लोग जातीयधारी जनगणना बिहार के कैबिनेट से पारित हुआ, बिहार वासियों को बताने की ज़रूरत है कि इसकी आक्रामक लड़ाई, जोरदार मांग नेता प्रतिपक्ष ने रखी, बिहार विधानसभा से पारित हुआ, प्रधानमंत्री जी समय दे रहे थे, लगातार ट्वीट के माध्यम से आग्रह किया गया, प्रधानमंत्री जी समय दिए, सभी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री से मिले, भारत की सरकार ने खारिज कर दिया, पार्लियामेंट में कह दिया कि हम जातीयधारी जनगणना नहीं कराएंगे, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जनता दल यूनाइटेड है उसमें, देश की सरकार में। सवाल ये उठता है कि बिहार में जातीयधारी जनगणना को लेकर के तेजस्वी जी ने आक्रामक रुख किया, दिल्ली तक पैदल जाने की उन्होंने बातें कही, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया बिहार के मुख्यमंत्री जी को, 24 घंटे के अंदर में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बुलाई, उसके बाद बातें बढ़ी, फिर सदनीय बैठक आहूत की गई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के समक्ष इन सभी बिंदुओं पर बात हुई। आखिर तो कैबिनेट को ही करना है ना, तो कैबिनेट ने मूर्त रूप दिया, लेकिन जिन बातों को लेकर के तेजस्वी जी जातीयधारी जनगणना को मूर्त रूप देना चाह रहे थे वो बात बाद में मानी गई, बात में समझी गई। करना तो सरकार को ही है, करना तो देश सरकारों को ही है, तो सरकार ने किया, कैबिनेट ने किया, कैबिनेट का हिस्सा तो जनता दल यूनाइटेड ही है, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार यहाँ गठित है। भाजपा नहीं भी चाहती तो भी जातीयधारी जनगणना होती, मैंने शुरू में ही कहा था सदनीय बैठक के पहले कि भाजपा चाहे न चाहे जातीयधारी जनगणना बिहार के अंदर में होगा, क्योंकि सभी लोगों की राय बन गई थी। जितने महागठबंधन की पार्टी हैं, जनता दल यू ने भी लास्ट में बात माना कि नहीं जातीयधारी जनगणना जरूरी है, वो तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा की ही बात कर रहे थे, कहाँ दिया देश की सरकार, विशेष पैकेज की बात कर रहे थे कहाँ दिया। तो जातीयधारी जनगणना के मर्म को समझनी पड़ेगी कि आखिर क्यों कर, इसलिए आवश्यक है जातीयधारी जनगणना पूरे देश में, बिहार में तो मूर्त रूप ले लिया, शुरुआत उसकी हो गई, 500 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ कैबिनेट के माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोग को समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है, कौन वर्ग के लोग हैं जो 23% लगभग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। सर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कई पोस्टर लगाए गए हैं महागठबंधन का जिसमें आप लोग 5 जून को सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, कांग्रेस तो उससे गायब है, कहीं है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दी गई है, कांग्रेस पार्टी ने बैठक में अगर सहमति देंगे तो सारी बातें कांग्रेस से को महागठबंधन का पार्ट हम लोग तो मान ही रहे हैं, कांग्रेस खुद नहीं मानती हो तो अलग विषय है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति हमारे रुख पहले ही से स्पष्ट है कि हम इस देश के अंदर में जो फासिस्ट शक्तियाँ हैं, जो देश के अंदर में धार्मिक उन्माद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, भाषाई आतंक के माध्यम से समाज को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है, मूलभूत समस्या जहां बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है, बेविचार अनाचार है, इन सवालों पर मुंह मोड़ना चाहती है भारत की सरकार, तो कभी व्यापम कभी कुछ ले आती है उठा कर करके, अब ज्ञानवापी आ जाते हैं, ज्ञानवापी पर क्या कहा रहे थे कि हमको मतलब नहीं है, फजूल की बातें देश में नहीं होनी चाहिए। देश का उन्नयन कैसे हो, देश में गरीबी कैसे खत्म हो, महंगाई कैसे कम हो, अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इन सवालों पर फोकस होना चाहिए, और डेमोक्रेसी में इन चीज़ों के लिए जनता चुनती है सरकार को। लेकिन अगर सरकार, अगर भाजपा चाहे तो देश में सरकार कराए, बड़ा बोल रहे हैं सुशील कुमार मोदी, तो भारी के जहर से सुशील मोदी के बाद जी के बारे में तो पहले ही से है कि अफवाह मियाँ है ये, तो अफवाह मियाँ तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जरा कल्पना कर लीजिए एक बार कि अगर देश की सरकार चाहती तो पूरे देश में होता कि नहीं होता, यह विपक्ष के दबाव का नतीजा है कि नहीं है, यह सत्य है कि कैबिनेट से पारित हुआ, इसको कौन नकार सकता है, लेकिन इसे कौन नकार सकता है कि तेजस्वी जी के आक्रामक रुख और पहल का नतीजा है, ये कौन इसको नकार सकता है। चलिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे हमारे साथ, जो सवाल थे हमने इनसे लिए, हमें एक्सप्लेनेशन के साथ, नमस्कार।